भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज ये महसूस कर रही है कि पूरे देश के अंदर एक डर कहूं, भय कहूं, असुरक्षा कहूं, इसका माहौल पैदा हुआ हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसे लेकर लगातार चिंतित है। हाल ही में आपने देखा राजस्थान में हत्या नहीं, कोई छोटी मोटी घटना नहीं, देश में फैल रहे धार्मिक उन्माद कहूं, सांप्रदायिकता के तहत कहूं, ये नफरत और जहर से लोग भरे हुए हैं कि एक आतंकी घटना कहूंगी वो करने से पहले भी वो एक बार सोच भी नहीं रहे कि वो क्या कदम उठाने जा रहे हैं, क्योंकि उनके भीतर नफरत को कूट कूट के भर दिया गया है। और ये सब काम हम लगातार देखते आ रहे हैं। भाजपा और संघ की सोच, विचार और राजनीति के तहत हुआ है। इसकी नींव जो देश में मैं कहूं धार्मिक उन्माद, सांप्रदायिकता का माहौल, इसकी नींव 2014 में रख दी गई थी। 2022 में उदयपुर की आतंकी वारदात के तौर पर हमारे सामने आ रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसे लेकर बेहद चिंतित है। कोई भी देश हम मानते हैं तरक्की, उन्नति, प्रगति अपने लोगों को साथ लेकर तब तक नहीं कर सकता है जब तक उस देश में शांति का माहौल ना हो, भाईचारे और प्यार का माहौल ना हो। आज हम सुन रहे थे देश की वित्त मंत्री FDI पर बात कर रही थी, विदेशी निवेशकों को देश में बुलाने की बात हो रही है। FDI कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप घुमाएंगे निवेश आ जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था, रुपया संभल जाएगा। आपको माहौल बनाना है। सच्चाई यह है कि आज जो FDI है उसका बाहर के निवेशकों के लिए मतलब हो गया है F मतलब फियर, डर, D मतलब डिसेप्शन, धोखा, I का मतलब इंटिमिडेशन, धमकी। आपके लिए FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, पर जो इन्वेस्टर है उसके लिए ये डर और ये जो माहौल है उसे रोक रहा है। यही नहीं, मैं नहीं कह रही हूं, अभी हाल ही की हेनले ग्लोबल सिटीजन रिपोर्ट आई है 2022 की, उसके मुताबिक देश के 8000 अमीर और व्यापारी जिन्हें देश में निवेश करने की उम्मीद की जा रही थी वो देश छोड़ने के लिए सरकार को आवेदन दे रहे हैं। मात्र इस एक साल में 8000 पूंजीपति व्यापारी छोटे जिनसे उम्मीद थी देश में रोजगार लाने की, उन्होंने देश के बिगड़ते माहौल और व्यापार के लिए सुरक्षित माहौल न मिलने के कारण आवेदन दिया है। देश के मुद्दों पर सरकार को बात करनी है, लेकिन सरकार को या देश के प्रधानमंत्री जी से खास से कहूंगी, देश के गृह मंत्री जी से कहूंगी, जब अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद देश जल रहा था, युवा सड़क पर थे, उम्मीद की जा रही थी कि देश के प्रधानमंत्री जी युवाओं से शांति की अपील करेंगे, उन्हें विश्वास दिलाएंगे कि हम चर्चा करेंगे, लेकिन दुख चिंता की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने आंखें बंद कर मौन धारण करने को चुना। वहीं कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी जब अस्पताल में थी अपनी जिम्मेदारी को समझा, युवाओं के नाम एक खुला पत्र लिखा, उस पत्र में उन्होंने युवाओं से शांति की अपील की। आज हमें इस बात की खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्षा की शांति की अपील के बाद देश के युवा शांत हुए, इस विश्वास के साथ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्याग्रह अगेंस्ट अग्निपथ, अग्निपथ के खिलाफ जब तक उसे वापस नहीं लिया जाता हम
हमने उन्हें विश्वास दिलाया कि हम ये सत्याग्रह जारी रखेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी से हमने तब भी उम्मीद की, लोकसभा का सत्र बुलाइए। हमारे नेता केसी वेणुगोपाल जी ने पत्र लिखा कि पार्लियामेंट संसद की स्थायी समिति जो डिफेंस के रक्षा के मामलों की उसकी मीटिंग बुलाई जाए, लेकिन दुख और चिंता की बात है कि लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल सरकार नहीं करते हुए वो मीटिंगें नहीं बुलाई गई। मुद्दा महंगाई का है, लेकिन आज उस मुद्दे पर चर्चा नहीं, क्योंकि सांप्रदायिकता के इस डर के माहौल में चर्चा नहीं हो पाती। चर्चा के लिए माहौल बनाना है। आज ही का RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत अखबारों की सुर्खियां हैं कि लगभग 3 करोड़ 60 लाख गृहिणियों ने 2021-22 में एक भी LPG गैस का सिलेंडर नहीं भरवाया है। मात्र एक साल में 3 करोड़ 60 लाख गृहिणियों ने पूरे एक साल में एक गैस का सिलेंडर नहीं भरवाया। ये महंगाई का मुद्दा है जिसपे चर्चा चाहिए, पर चर्चा के लिए देश में माहौल चाहिए। किसान मुद्दा है आज भी, त्रसित है। आपने उस समय भी अग्निपथ की तरह कृषि कानून थोपा, कदम पीछे लिए। आज भी किसान चर्चा चाहता है कि मेरी MSP पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो कमेटी का गठन होना था, वो कमेटी का गठन आज भी नहीं हुआ, न चर्चा हो रही। क्यों? क्योंकि चर्चा के लिए माहौल चाहिए, और ये माहौल बनाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। और जिन्हें ये लगता है कि माहौल ना बने, चर्चा ना हो, इसलिए ये सब यूं ही चलता रहे। अभी हमने हाल ही में देखा, गर्व है हमें, राजस्थान की कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार पर। मैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहना चाहूंगी, एक उदाहरण पेश किया है अशोक गहलोत जी ने कि एक आतंकी घटना होती है, डर खौफ का माहौल बनता है, लेकिन सतर्कता, सरकार की सतर्कता, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी और जवाबदेही को निभाते हुए मात्र चार घंटे के भीतर राजस्थान की पुलिस उन दोनों दोषियों को गिरफ्तार करती है। कुछ ही घंटों में SIT बिठाई जाती है। FIR करके गिरफ्तार करके SIT बिठाने के बाद जो केंद्र सरकार को खुद निवेदन हमने किया, क्योंकि हमें भी लगा कि यहां पर कहीं ना कहीं बाहर से तार जुड़े हो सकते हैं, NIA के तहत भी इसकी जांच की बात की। मुख्यमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए संवाद स्थापित किया, मीडिया से भागे नहीं, मीडिया के हर सवाल का जवाब दिया, क्योंकि लोग चैनलों पर बैठे हुए देख रहे थे, सुन रहे थे अपने मुख्यमंत्री को। सर्वदलीय बैठक बुलाई जिम्मेदारी को समझते हुए, सारे राजनीतिक दलों को विश्वास में लिया, और आज ही कहते हुए खुशी होती है कि राजस्थान के अंदर इतनी बड़ी घटना के बाद वहां के लोग, सरकार के साथ संवाद है, पूरी पारदर्शिता है, सबको विश्वास में लिया गया है, इसलिए वहां पर हालात बहुत बेहतर है। ये देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और देश के अन्य राज्यों के लिए एक गांधीगिरी कहूंगी, क्योंकि ये देश शाहगिरी से नहीं चल सकता है, तानाशाही तरीके से शाहगिरी से नहीं चल सकता। ये देश चलेगा तो गांधीगिरी से चलेगा, और उसके तौर तरीके हैं हमने देखा। मैंने महंगाई से परेशान गृहिणियों की मुद्दा बताया, चर्चा इस पे होनी है पर माहौल नहीं बनाया जा रहा। किसान पे चर्चा होनी है मुद्दे पर, माहौल नहीं बनाया जा रहा। व्यापारी देश छोड़कर जाने को मजबूर है, बाहर से निवेशक आना नहीं चाहता। सांप्रदायिकता, दंगे का, हिंसा का, डर का, भय का माहौल है। युवा बेरोजगार लगातार आंदोलित है। उसी के साथ पत्रकार, हमारे ही देश में हमारे ही पत्रकारों को
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी निर्दयता, उनकी निर्भयता, उनकी सच्चाई से चलती कलम को सम्मानित किया जा रहा है। हमारे ही भारत देश के पत्रकारों को विश्व पटल पर पहचान देकर लगातार जहां हम देख रहे हैं सम्मानित किया जा रहा है, वहीं केंद्र की भाजपा सरकार पत्रकारों को गिरफ्तार कर जेल भेजकर उनकी कलम जो सच्चाई लिख रही है उसे रोकने की कोशिश कर रही है। हम अपील करते हैं देश के प्रधानमंत्री जी से, संवाद स्थापित करिए। यह बहुत जरूरी है, इस माहौल में देश की संसद पार्लियामेंट बुलाई जाए, सभी राजनीतिक दलों को, क्योंकि अभी 13 मुख्य राजनीतिक दलों ने शांति की अपील करने की का निवेदन किया प्रधानमंत्री जी को। विडंबना लगती है कि देश के लोगों को, राजनीतिक दलों को निवेदन करना पड़ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री जी, देश का माहौल विषैला होता जा रहा है, नफरत से लोग भरे हुए हैं दोनों तरफ के, एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। प्रधानमंत्री जी आगे आइए और शांति की अपील कीजिए। ये कितनी बड़ी विडंबना है हमें कहना पड़ रहा है। 13 मुख्य राजनीतिक दलों ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री जी से इस बात की अपील की है, क्योंकि अगर ये माहौल यूं ही रहा तो पूरे, हमारा मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को भारी नुकसान पहुंच सकता है। अगर जिस देश में भय डर का माहौल हो, निवेश नहीं आएगा, वो देश तरक्की उन्नति नहीं कर सकता है। वहां उद्योग और व्यापार जब ठप रहेंगे, कर्फ्यू लगेंगे, बाजार बंद रहेंगे, तो ऐसे में कोई देश कैसे तरक्की और उन्नति कर सकता है? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे बड़ी एक चिंता है, जिसे लेकर आज हम ये प्रेस वार्ता के माध्यम से भी देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री उन्हें जगाने का काम कर रहे हैं। रास्ता क्या है? रास्ता राजस्थान की सरकार, अशोक गहलोत सरकार ने दिखाया कि किस तरीके से लोकतांत्रिक तरीकों को अपनाते हुए वहां पर जो है हम लोगों ने तुरंत जो पीड़ित परिवार है उन्हें आर्थिक मदद और न्याय का भरोसा दिलाया है। रास्ता हम बता रहे हैं। कांग्रेस ने अपने उदयपुर नव संकल्प शिविर में भारत जोड़ो का नारा दिया। कांग्रेस आज देश के डर, नफरत, भय के माहौल को देखते हुए 2 अक्टूबर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा करने जा रही है। हम देश की सरकार को कहते हैं ये रास्ता है, लोगों के बीच जाना होगा, शांति, प्यार, भाईचारा स्थापित करना होगा, उनका विश्वास जीतना होगा, उन्हें न्याय का भरोसा दिलाना होगा। जो अपराधी हैं, जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उनके दिलों में डर पैदा करना होगा। और ये शांति, प्यार, भाईचारे की शुरुआत 2 अक्टूबर से कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा से करेगी। ऐसा ही कुछ उम्मीद हम केंद्र की सरकार से भी करते हैं कि सरकार कोई ऐसी पहल करे, कुछ ऐसी पहल करे। खास तौर से निवेदन करना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी, आगे आइए, आगे आइए, कीजिए शांति की अपील। लेकिन आप सबने हर बार देखा है, भारत की राजधानी भी दंगों की आग में जली। 2020 में ही दिल्ली, राजधानी दिल्ली है जहां राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, संसद और देश चलता है, 2020 में ही दिल्ली में सांप्रदायिक दंगों की 520 घटनाएं होती हैं। ये हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में जो पुलिस ने FIR है और जो धाराएं, दंगों की धाराओं में FIR दर्ज हैं, उसके आंकड़ों के मुताबिक अगर राजधानी दिल्ली के अंदर ही 520 सांप्रदायिकता और दंगे की हर जो है घटनाओं पे मामले दर्ज हो, तो आप सोच सकते हैं देश के हालात कितने चिंताजनक हैं। लेकिन हमने हमेशा देखा है
कि इस तरह की किसी भी दंगे या हिंसा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी हर अपने चुनावी राजनीतिक मंचों से करती है, उसका लाभ लेने के लिए करती है। हमने बहुत बार देखा देश के प्रधानमंत्री जी जब किसी राज्य के चुनाव में जाते हैं, चुनावी जनसभा को संबोधित करते हैं, उससे पहले तक हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी बेखबर हैं, उन्हें नहीं मालूम, लेकिन जब वो राजनीतिक मन से, चुनावी मन से राजनीतिक लाभ के लिए उस हुई दंगे और घटना की हिंसा का जिक्र करते हैं, तो ये समझ आता है कि प्रधानमंत्री जी को जानकारी थी, लेकिन उस समय शांति की अपील ना करके चुनाव का इंतजार करते रहे और चुनावी मंचों से उन सारी हिंसाओं का, दंगों का जिक्र करके याद दिला दिलाकर सिर्फ वोट बटोरने का काम। ये बेहद, मैं कहूंगी, शर्मनाक है, चिंताजनक है। अभी भी प्रधानमंत्री जी खामोश हैं, लगता है इंतजार है आने वाले राज्यों के चुनावों में राजनीतिक मंचों से वो इस तरह की घटनाएं और हिंसा का फिर एक बार से राजनीतिक लाभ लेने के लिए जरूर जिक्र करेंगे, लेकिन अभी शायद वो बेखबर हैं। अगर खबर है तो हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे। देश का माहौल, राजस्थान उदयपुर की घटना दोबारा देश के किसी कोने में ना हो, मुख्यमंत्रियों से संवाद करिए, संयोग करिए, और आपके पास अगर लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय तार कहीं से भी किसी भी हिंसा दंगे के जुड़े हैं, समय रहते हम केंद्र सरकार से उम्मीद करते हैं कि वहां की राज्य सरकार, वहां के मुख्यमंत्रियों को विश्वास में लेकर समय रहते उन्हें सतर्क किया जाए, उन्हें संयोग दिया जाए। लेकिन जिस तरह से उदयपुर की घटना है, समझ आता है जब NIA को शामिल किया जाता है कि उस घटना के या दोषियों के तार कहीं जुड़े हुए हैं, तो समझ आता है कि खबर और सूचना थी, लेकिन संबंधित राज्य सरकार, मुख्यमंत्रियों को विश्वास में नहीं लिया गया। अगर लिया जाता, इसी तरह दिल्ली के अंदर भी हमने देखा, खुद गृह मंत्री जी ने संसद में दिल्ली दंगों के बाद जो अपना बयान जारी किया, उस बयान में उन्होंने बताया कि उसके विचार अंतर्राष्ट्रीय जो देश के दुश्मन है उनसे जुड़े हुए थे, लेकिन दंगों से पहले तक उन्हें नहीं खबर थी, या खबर थी तो वो उन्होंने सतर्कता, समय पर कदम जो उठाने थे नहीं उठाए। मैं एक बार फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से देश के बिगड़ते हालात को लेकर चिंता जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री जी से कहेंगे, आगे आए, 8 साल में आपने एक प्रेस वार्ता नहीं की, प्रेस के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों को संबोधित करिए, विश्वास दिलाइए कि हम देश में प्यार का, भाईचारे का, एकता का माहौल चाहते हैं और हम किसी भी हिंसा में, आतंकी घटना में शामिल या देश के जो माहौल बिगाड़ रहे हैं, किसी तरह का भी पक्षपात ना करते हुए उन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ लोगों को सेम FIR, सेम बयान, सब कुछ एक जैसा, लेकिन कुछ को बचाया जा रहा है और कुछ के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये निष्पक्षता जब नहीं रहती तो सरकारों से विश्वास उठ जाता है।